था, जैसा प्रेमा ने बोला तामसिक भक्ति था उनका। प्रसन्न हुए क्या थे, पार्वती चाहिए हमको, पार्वती को उठा करके दे दिया। और ऐसा उस वक्त ये नारद जी जो हैं, तीन लोक में क्या क्या होता रहता है उनको सब उनको मालूम हो जाता है। वो क्या डिस्टेंट सैटेलाइट कनेक्शन है, कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है, उनको सब मालूम हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसा बहुत विकट प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ जा पहुँच जाते हैं कुछ करने के लिए। इसलिए उसी टाइम में वो कैलाश जाकर के शंकर भगवान का दर्शन के लिए गया। कैलाश जाकर के दर्शन के लिए तो शंकर भगवान उदास सा है और अकेले बैठे हैं, बगल वाला आसन पार्वती जी का वो खाली है। महादेव कौन? नारद, नारद। हाँ हाँ वाह वाह, हाँ मैं आ रहा हूँ दर्शन से, अनुग्रहित हुआ, लेकिन बगल का आसन क्या खाली है, माता जी कहाँ है, पार्वती जी कहाँ है, ऐसा बोले। बड़ा भगत संकेश रावण, वो हमको प्रसन्न कर लिया अपना तपस्या से, भक्ति से, भजन से। तो मैंने प्रकट हुआ, पूछा क्या चाहिए बेटा, मैं पार्वती जी चाहिए। मैंने पार्वती जी को ले लिया, बोले तो जाना गया, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वो देवता उनका शत्रु है, ऐसे ही सब जगह में गड़बड़ कर रहा है वो, तपस्या करके तपस्या करके, ब्रह्मा को तपस्या करके कुछ वर मांग लिया, आपसे तो कुछ वर मांग लिया। लेकिन विष्णु भगवान थोड़ा सा मैं सावधानी से बर्ताव करता है ऐसे आदमी से, अभी क्या करें, माँ को वहाँ ले चले जाएगा, कितना अरसे तक आप बिना माँ के ऐसा रह सकते हैं, गणपति जी का क्या हालत होगा, और वो नन्ना इनका क्या हालत होगा, कार्तिकेय का क्या हालत होगा, गणपति से भी छोटा है वो, उनका क्या हालत होगा।